मॉर्निंग एवरी वन आज देखिए क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि ये लॉकडाउन का फेज़ चल रहा है तो जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक ही तरीका है पढ़ने का कि हम उन्हें ऑनलाइन पढ़ाएं तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको मैं डॉक्टर शिवी भसीन फैकल्टी असिंस जोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन आज सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा एक टॉपिक लेकर आई हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये टॉपिक जोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी दोनों के ही स्टूडेंट्स को आ, के लिए इम्पॉर्टेंट होता है स्पेशली ये बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में कवर्ड है प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में इससे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे तो आइए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हम दो से तीन पार्ट्स में कवर करेंगे पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री का वीडियो आपको एक एक कर, कर अपलोडेड मिलेगा अगर आपको टॉपिक में कुछ भी डिफिकल्टी हो या कहीं पर भी कुछ समझ में ना आए या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या क्या कंटेंट्स कवर करेंगे सो दी कंटेंट्स दैट विल बी बेसिकली कवरिंग इज दैट वॉट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दी टाइम लाइन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम्स टेक्निक एनालिसिस फाइंडिंग अकम्पलिशमेंट इश्यू ऑफ कंसर्न एंड फ्यूचर चैलेंजेस अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है ये एक इंटरनेशनल कलेबरेट रिसर्च प्रोग्राम है ठीक है एक इंटरनेशनल कलाबरेटेड रिसर्च प्रोग्राम है हुज गोल द कम्प्लीट मैपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ ह्यूमन बींग जिसका कि मेन उद्देश्य ये था कि सभी जीन्स जो हैं ह्यूमन बींग के वो मैप कर लिए जाए और उसको समझ लिया जाए ठीक है ऑल आर जीन्स टूगेदर इज नोन एज जीन ये हमें बेसिकली समझना पड़ेगा कि जीन हमारा सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट होता है ये तो मैक्सिमम लोग आप में से जानते होंगे लेकिन जीन के एंटायर एंटायर कलेक्शन को हम जीनोम कहते हैं और जीनोम की मैपिंग करना जीनोम की सिक्वेंसिंग करना और जीनोम में जीन के लोकेशन को ट्रेस करना ये मेडिकली डिजीज डायग्नोसिस डिजीज ट्रीटमेंट और मेडिकल फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबसे पहले एक इंटरनेशनल कलेबरेशन से आ, स्टार्ट किया गया था और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल कलेबरेशन दैट सक्सेसफुली डिटरमाइंड Stored and rendered publicly available, publicly made available the sequences of almost all the genetic content. ऑफ़ दी क्रोमोजोम देखिए एक कंसेप्ट मुझे लगता है आप लोगों को सबको क्लियर होगा लेकिन फिर भी एक बार मैं दोहरा देती हूँ कि हमें है सेल में न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस में क्रोमोजोम होता है क्रोमोजोम में डी होता है और डी में जीन होता है ठीक है तो ये जीन सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट होता है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो एम था वो सबसे पहले ये था कि सभी सीक्वेंसेस को अवेलेबल करवाना वो सीक्वेंसेस जो कि क्रोमोजोम के अंदर है यानी कि जो जेनेटिक कंटेंट है क्रोमोसोम का उसको अवेलेबल करवाना और ह्यूमन ओरिजिन में मतलब ह्यूमन के अंदर ह्यूमन के क्रोमोसोम में जो जेनेटिक कंटेंट है उसको अवेलेबल करवाना यानी कि पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस कर लेना ट्रेस कर लेना एक-एक जीन का लोकेशन पता लगाना ये उसका मेन एम था आप देखिए द दे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट व्हिच ऑपरेटेड हाँ ये टाइमलाइन आपको इसकी ज़रूर याद रखनी है 1990 से ये स्टार्ट हुआ था और 2003 तक ये फिनिश हुआ था जो कम्प्लीटली जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी दैट वाज डन इन 2003 और इस इट प्रोवाइडेड रिसर्चर्स विद द बेसिक बेस पेयर्स और इसने रिसर्चर्स को बेसिक बेस पेयर्स जो हैं वो प्रोवाइड करे बेसिक बेस विद बेसिक इंफॉर्मेशन सॉरी जो uh, ये था इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिसर्चर्स को बेसिक इंफॉर्मेशन मिली अबाउट दी सीक्वेंसेस ऑफ थ्री मिलियन केमिकल बेस पेयर्स तीन मिलियन केमिकल बेस पेयर्स की के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और सबसे ज़रूरी बात कि एच का जो एम था वो बेसिकली ये था कि टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज नीडेड टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज जीनोम सीक्वेंसेस टू आइडेंटिफाई ऑल दी जीन्स एनकोडेड इन ह्यूमन डीएनए मतलब ये कि उन सभी टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करना उन सभी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता लगाना जो कि जिनकी की ज़रूरत पड़ेगी जीनोम के सीक्वेंसेस को एनालाइज करने में और ये पता लगाने में कि कौन कौन से जीन्स ह्यूमन डीएनए के अंदर कोड करते हैं ठीक है कौन कौन से जीन ह्यूमन डीएनए के अंदर कोड करते हैं ये पता लगाना प्लस रिसर्चर्स को ये भी पता लगाना था कि कौन कौन सी सीक्वेंसेस हैं डीएनए के अंदर ये हम सबको ध्यान में रखना है ये हमें पता भी होगा हम में से बहुत से लोगों को कि एंटायर ह्यूमन डीएनए इज़ नॉट कोडिंग नाइन्टी सेवन परसेंट कीप इट इन माइंड एंड रिमेंबर द फिगर नाइंटी सेवन परसेंट डी एन ए जो ह्यूमन बॉडी में होता है दैट इज नॉन फंक्शनल ओनली थ्री परसेंट ऑफ द ह्यूमन डी एन ए इज़ इनकोडिंग केवल तीन प्रतिशत ह्यूमन डी एन ए ऐसा होता है जो कि काम करता है नाइन्टी सेवन परसेंट डी एन ए जो रहता है वो कोड नहीं करता है जिसको जंक डी एन ए भी कहा जाता है तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ऐसी टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव किया जाए जो कि जीनोम सिक्वेंसिस को एनालाइज कर सकें इंटरप्रेट कर सकें सभी जीन्स को ह्यूमन डी एन ए के अंदर एनकोड किया जा सके ताकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड बेसिक डेटा जो है वो तैयार हो जाए आप लोगों में से कुछ ये भी जानते होंगे कि ह्यूमन डीएनए में भी हंड्रेड परसेंट सिमिलैरिटी नहीं होती देर इज अ सिंगल सीक्वेंस डिफरेंस होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है कुछ सीक्वेंसेज की कुछ बेस बेस की पेयरिंग के सीक्वेंस में मतलब कि उनकी जो उपस्थिति होती है उसके सीक्वेंस में अंतर होता है जिसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं जिसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे बहरहाल हमको बस इतना समझना चाहिए कि ये जो है ह्यूमन जीनो प्रोजेक्ट एक ऐसा यूनिट था जो कि पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करके दे रहा था पूरी की पूरी जीन्स की एनकोडिंग कर रहा था ठीक है और एक बात और थी कि इतना बड़ा जीनोम सीक्वेंसिंग करने से सोशल इथिकल लीगल इम्प्लीकेशंस भी अराइज कर सकती थी पूरे जीनोम को डिफाइन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना कलेब्रेशन के लिए ज़रूरी था क्योंकि इसकी बहुत पॉसिबिलिटी थी कि इसके इथिकल इश्यूज़ हो सकते थे इसके लीगल इश्यूज़ जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लोनिंग के अंदर भी इथिकल इश्यूज़ होते हैं इसी वजह से क्लोनिंग बैन है स्टेम सेल के इस्तेमाल पर भी इथिकल इशू होता है इस वजह से स्टेम सेल का इस्तेमाल भी इथिकल इशू के दायरे में आता है क्लोन के क्लोनिंग को तो कम्प्लीटली बैन करके रखा है उसी तरीके के कोई इथिकल इशू कोई लीगल इशू ना हो जाए कि हम ऐसा ना हो जाए कि पूरा का पूरा जीनोम अगर मैप कर लें तो कहीं उससे कोई ह्यूमन ही ना जनरेट हो जाए इस तरह का कोई भी इथिकल इशू ना हो ये भी कंपनीज को कलेबरेशन को ध्यान में रखना था तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिसर्चर्स के आगे जो सबसे बड़ा टास्क था वो ये था कि ह्यूमन जीनोम को ट्रेस करें उसमें उपस्थित सभी जीन्स को उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जाए सीक्वेंस किया जाए और सभी कोडिंग और एनकोडिंग जीन्स का जीनोम के अंदर ह्यूमन जीनोम के पता लगाया जा सके अब टाइमलाइन देख लेते हैं इसकी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो इनिशिएट हुआ था 1990 में और लीडरशिप थी एक अमेरिकन की जिनका नाम था फ्रांसिस है ना विद सपोर्ट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का उनको सपोर्ट था फिर 1998 में एक प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज आया जिसका नाम था सेलेरा जिनोमिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जब भी आप जे एन यू बायोटेक का अगर तैयारी कर रहे हैं या कोई भी आपकी स्टेट किसी भी बायोटेक या जुलोजी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये एक बहुत कॉमन नाम लैब का पूछा जाता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो कम्प्लीशन है जो ड्राफ्ट है जो किस लैब में कम्प्लीट है कौन सी लैब का नाम एसोसिएटेड है तो सेलेरा जिनोमिक्स का नाम एसोसिएटेड है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में विच जहाँ पर हेड कौन थे इस प्रोजेक्ट के इट वॉज़ हेडेड बाय अमेरिकन बायो केमिस्ट एंड फॉर्मर एनआईएच साइंटिस्ट जे क्रेग वेंटर ये हेड थे इसके और इन्होंने कंप्लीट किया पोटेंशियली अंडरमाइन द पब्लिसिटी फंडेड इन्होंने पूरा कंप्लीशन किया एच का और एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ड्राफ्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कब रेडी हुआ जून 2000 में ठीक है फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया जून 2000 में जो कि कोलिस और वेंटर द्वारा दिया गया था है ना यही ऊपर जो दो नाम आए वही नाम है तो फर्स्ट ड्राफ्ट पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया तो वो जून टू में आया। और फाइनल कब हुआ ये डेट भी इंपॉर्टेंट है फाइनल हुआ अप्रैल अप्रैल 2003 2003 में जब पूरी की पूरी 2003, जब आ, की तरह से ये हम सब जानते वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था तो उसकी फिफ्टी एनिवर्सरी में यानी कि 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा कंप्लीट किया गया तो यह हाँ आपको तीन चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है एक तो सेलेरा जिनोमिक्स लैब का नाम ये कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछ लिया जाता है कोलिस और वेंटर का नाम कोलिस और वेंटर का नाम भी कई बार आपको आ, पूछ लिया जाएगा कि कौन से साइंटिस्ट का नाम एसोसिएटेड था और फर्स्ट ड्राफ्ट कब बना एच का तो वो टू जून टू में बना और फाइनल कब हुआ अप्रैल टू में हुआ ये थोड़ा सा टाइम का देखिए ये टाइम का एक डायग्रामेटिक व्यू है कि 1999 में क्रोमोसोम 22 फर्स्ट क्रोमोसोम डिकोड हुए फिर 2000 के अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग की गई मॉडल ऑर्गेनिज्म की फिर 2001 में 2000 2000 में ही याद रखिएगा 2000 2001 के बीच में कहीं फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हुआ जनरली 2000 ही माना जाता है पर रिलीज़ 2001 में हुआ रेडी 2000 में हो गया था और रिलीज़ फर्स्ट ड्राफ्ट 2001 में हुआ एंड दें कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग जो फर्स्ट मेमेलियन रिसर्च ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम डिकोड किया गया था वो 2002 में किया गया था और जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है वो 2003 में किया गया था पूरा कंप्लीट करा गया था इसको 2003 में आ, मुझे लगता है कि ये जो है ये इसको हम फर्स्ट पार्ट तक यहीं तक रहने देते हैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी इसमें साइलेंट फीचर्स ह्यूमन जीनोम के हम देखेंगे अभी बस हम ये समझे हैं कि ह्यूमन जीनोम कैसे किया गया यूनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे बनाया गया कौन सी लैब ने बनाया कौन से सेल से कौन से कौन से ईयर से कौन से ईयर तक ये कम्प्लीट हुआ और किस तरह से इसका मेन उद्देश्य था कि पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम को पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंस को डिकोड कर लेना इंटरप्रेट करना और आइडेंटिफाई करना पूरे के, पूरे के पूरे कोडिंग और नॉन कोडिंग जीन्स जो पोर्शन है कोडिंग जीन्स का और जो नॉन कोडिंग जीन्स का पोर्शन है उसको आइडेंटिफाई करना ठीक है अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट जहाँ हम इसके डिटेल्स स्टडी करेंगे अगर आपको कहीं भी कुछ भी डिफिकल्टी रही हो क्योंकि ज़्यादा लंबा बनाने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वो समझने में भी दिक्कत देता है तो आपको अगर यहाँ तक के पोर्शन में कहीं भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मैं अपना फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी आप मुझे उस पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं मैं वो भी प्रोवाइड करूँगी और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू